यह कटिंग से ग्रो करने वाले क्रोटन इस तरह से मैं कटिंग को पानी में ऐसे ग्रो की थी। आज से 15 दिन पहले देखिए किस तरह से रूट निकल गए हैं। इसको मैं मिट्टी में अभी दबाऊंगी इस तरह में। ये मेरी मिट्टी बना के मैंने रखी हूँ। इसको मैं इस तरह से उंगली की सहायता से मैं इसे यहाँ पे दबा दूंगी। दबा के मैं इसमें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं इसे बीच में इस तरह से दबा दूँगी। दबा देने के बाद इसमें मैं इसको ऐसे आस्ते से मैं इस तरह इसको मैं दबाऊंगी। इसमें बर्मी कंपोज है, सैंड है और ये मिला के मैं इसे इसमें दबा दूँगी ताकि इसमें आस्ते से इस तरह से उंगली की सहायता से मैं इस तरह दबा दे रही हूँ। दबा देने के बाद इसमें इस तरह से मैं लगाऊँगी इसको। हमारे देखिए यहाँ दबाऊंगी, एक यहाँ दबाऊंगी थोड़ी देर पे इसे करके। इस तरह से मिट्टी बना के मैं रखी हुई थी। बर्मी कंपोज है, सैंड है और ये इस तरह से दोनों जगह दबा दूंगी। उसके बाद मैं एक मिट्टी और बना के रखी हूँ इस तरह। दबा देंगे, देखिए रूट किस तरह से बड़े बड़े से हैं एकदम, देख कर ही समझ में आ रहा है कि अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। इस तरह से मैं देखिए दबा दूँगी हल्के हाथों से ताकि इसमें आप इसके बाद मैं इसमें फंगीसाइड थोड़ा दे दूँगी ताकि इसमें कोई फंगस लगने की डर ना हो। तरह से उंगली की सहायता से मैं दबा दे रही हूँ और दिखा रही हूँ फंगीसाइड है। मैं इसको आस्ते से चारों तरफ से छिड़क दूँगी क्योंकि हल्की पानी दूँगी क्योंकि मिट्टी में ढेर सारी नमी है। फंगस ना लगे एकदम। इसमें हल्का हल्का पानी दूंगी ताकि इस तरह से कि ताकि रूट हिले ना, ये जो क्रोटन का पौधा है वो भी हिले ना एकदम। थोड़ा सा बस इस तरह से पानी दूंगी ताकि फंगीसाइड सभी मिट्टी में एकदम से मिल जाए। और इस तरह से मैं इसे अब शेमी शेड में रख दूंगी। इस तरह मेरा शेमी शेड है, यहाँ पे रखती जाऊंगी मैं। रख देने के बाद पाँच से छः दिन के बाद मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दूँगी। इस तरह देखिए सेमी शेड में रख दी हूँ। और इस तरह अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।